तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नारायण सागर बांध है जो स्थित है किस जिले में, तो वह जिला है अजमेर। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि जोधपुर ज़िले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इस झील का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। अगला सवाल है कि स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो वह नदी है कानकिया नदी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वह नदी है कानके नदी। अगला सवाल है कि कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो वह नदी है ब्राह्मणी नदी, जो बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि खारी नदी का उद्गम स्थल है। तो खारी नदी का उद्गम स्थल है बिजरालू गाँव की पहाड़ी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि खारी नदी का उद्गम स्थल है, तो खारी नदी का उद्गम स्थल है बिजरालू गांव की पहाड़ी, जो राजसमंद में स्थित है। अगला सवाल है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो मेजा बांध है जो बना हुआ है कोठारी नदी पर। अगला सवाल है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है चंबल नदी पर, और किस जिले की बात करें तो जिला है चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है कि अन्नास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह है। तो यह सहायक नदियाँ हैं माही की। कौन कौन सी? अन्नास, एराव और सोम। अगला सवाल है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो यह भाग है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जो किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है करौली जिले में। अगला सवाल है कि जिंग जैंग बांध किस जिले में स्थित है। तो जिंग जैंग बांध स्थित है बूंदी जिले में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जिंग जैंग बांध है जो किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल है। तो जाखम नदी का उद्गम स्थल है प्रतापगढ़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल है तो क्या है? प्रतापगढ़। अगला सवाल है कि वराह या लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी है जो जानी जाती है। तो वह नदी है रूपारेल नदी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि पर्चा बावड़ी स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्चा बावड़ी है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है रामदेवरा में। अगला सवाल है कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद है जो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मारवाड़ की गंगा कहा जाता है लूणी नदी को। अगला सवाल है कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो वह नदी है बनास। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नदी है बनास। अगला सवाल है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। ठीक है, चंबल नदी को किस क्या कहते हैं, तो कामधेनु कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। अगला सवाल है कि गजनेर सूर सागर किस जिले में है। तो यह है
बीकानेर जिले में, ठीक है। बीकानेर जिले में क्या स्थित है? गजनेर सूरसागर स्थित है। कहाँ पर? तो बीकानेर में। अगला सवाल है कि मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मोरेल बांध किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है सवाई माधोपुर में। अगला सवाल है कि माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है माधो सागर बांध है जो स्थित है दौसा जिले में। अगला सवाल है कि बेड़स नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो बेड़स नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि बेड़स नदी निकलती है कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। अगला सवाल है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं, तो वह संभाग है कोटा संभाग। अगला सवाल है कि कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? तो वह नदी है बेड़स नदी, ठीक है। बेड़स नदी है जो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल है, आपको पता भी होगा इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ, ठीक है। किसका? तो चंबल नदी का। तो दोस्तों आपने, आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न है जो सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।